गाइस वेलकम बैक, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। गाइस मैं नहीं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हो पर मैं नहीं ठीक हूँ। मेरा कुछ दिन से बहुत तबीयत खराब है, तो माइंड मत करना। और हाँ, मेरे फेस से भी तो आप लोगों को लग ही रहा होगा ना कैसा लग रहा है। चलो मैं अभी ठीक हूँ। मैं अब वीडियो, कुछ टाइम से वीडियो नहीं जाते थे पर अब जाएंगे, ठीक है। और मेरे इस विंटर के टाइम पे ना बहुत फेस डल हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक DIY फेस क्रीम बनाया। देखो कितना अच्छा ग्लो कर रहा है ना। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाया, आईब्रो फिक किया है, आईब्रो भी नहीं बनवाया क्योंकि इस टाइम पे मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। तो चलो DIY क्रीम बनाया है, आप लोग देख ही लो। बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रहे थे, अच्छा लगे तो लाइक करना, अब वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब कर, बेल को भी बजा ही देना। और हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस एक बाउल चाहिए, बाउल में मुझे क्लीन बाउल चाहिए, उसमें मसूर की दाल, जो लाल दाल होती है ना उसी को हमारे यहाँ तो मसूर बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट जरूर करना। और मैं और दो बादाम चाहिए और चावल चाहिए, तीनों को एक साथ मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद देखो मिक्स कर लिया मैंने, फिर मैंने रोज वाटर लिया हुआ है, देखो रोज वाटर, उसे इस रोज वाटर उतना ही डालना है जितना मतलब डूब सके, ओवर नहीं डालना है, हिसाब भर डालो ताकि मुझे सुबह तक अच्छे से भिगोने पे फिर अच्छे से इसका वो हो जाए। आप 2 से 3 घंटे भी रख। गाइस मैंने ओवरनाइट रखने के बाद देखिए कुछ मेरा इस तरह हो गया। मैंने सुबह ही मैंने इसे अच्छे से सुबह लेके देखिए फूल गया है। सुबह इसे अच्छे से मेरे यहाँ सील लोड़ा है, आपके पास हो तो कर लेना, तो मिक्सर में पीस लेना। लेकिन मुझे लगता है कि मिक्सर में पीसने से थोड़ी सी इतनी गुडनेस कम हो जाती है, तो आप लोग देखो तो फिर हो सके तो खुद ही कर लो, अगर नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। और देखिए दाल, और ये दाल रहा, और चावल एक साथ भिगो के ऐसे फेस पे लगाते हैं ना, एक्सफोलिएट होता है हमारी स्किन का। और चावल आपको पता ही है वाइटनिंग का काम करता है, विंटर के टाइम पे तो हमारी स्किन वैसे भी डल होती है, 1 से 2 सेट कम होना ही होना है। और चावल क्या करता है, चावल में एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें चावल के जो भी बहुत सारे तत्व भी होते हैं जो हमारी बीमारियों से और झुर्रियों से लड़ने में सहायता करती हैं। तो गाइस प्लीज़ आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मैंने इसे एक साफ कपड़े में लेके थोड़ा थोड़ा लेके इसे जितने भी एक्स्ट्रा पानी है ना, जो जितने छानने से जितने भी इसके पानी निकले वही, ये चीज़ नहीं यूज़ करने हैं, सब लेके इसे अच्छे से, मुझे पता ही नहीं क्यों स्पून मिल नहीं रहे थे पर मुझे हाथ से ही यूज़ करना पड़ा, पता नहीं कहाँ रख दिए थे, फिर मुझे लेट भी हो रहा है, प्यू बहुत परेशान भी करती है। तो देख लो आप लोग कैसे निकालना है, मैं अच्छे से इसे टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा स्किन पाना है तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी ना, DIY क्रीम है तो। और रोज़ वाटर पता ही है कि क्या काम करता है, मैंने जैसे वीडियो में बताया ऐसा करोगे ना तो आप देखना आपका फेस कितना ग्लो करेगा। गाइस मेरा फेस इसलिए बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मेरा फेस बहुत डल है, आप लोग ये मत सोचना, आप लोग ट्राई करके खुद ही अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना, फिर आप लोग खुद ही बताओगे। उसे देखिए मैंने अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन अच्छे से इसे पूरा निकाल लिया, अभी और भी निकलेगा पर मैं देखिए कितना निकला है। अभी हमें क्या यूज करना है इसमें, उससे ही काम नहीं चलेगा, मुझे कहता
बादाम का तेल चाहिए, और हाँ जित ऑयल हो कैरियर ऑयल हो, ऐसा ना हो कि जो बाल में लगाने वाला नहीं। फिर देखिए मैंने गोहूँ का तेल भी लिया हुआ है। गोहूँ का तेल, गोहूँ खाने से तो बहुत उसमें तत्व मतलब पौष्टिक रहते हैं, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। लगाने में भी आप लोग देखना बहुत अच्छा ग्लो आता है। फिर मैंने विटामिन सी की, विटामिन ई की कैप्सूल ली हुई है, एक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक लेनी है। आप ये स्टोर करके 15 दिन भी रख सकते हैं, पर मैं मुझे लगता है ना कि DIY क्रीम 1 हफ्ता बहुत है। DIY 1 हफ्ता बहुत है, 1 हफ्ते में हो सकता है 1 हफ्ता। फिर मैंने, गाइस यहाँ पे ना वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं इसीलिए वीडियो में बोलती ही नहीं हूँ। अब बोलती भी हूँ तो इतनी शोर होती है कि मैं क्या बताऊँ, हमारे यहाँ बहुत शोर होती है, इसलिए मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। देखिए और एलोवेरा जेल तो मस्ट है, आप इसमें से ऑयल में से कोई एक ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन एलोवेरा स्किप मत करना। देखिए इसे अच्छे से मिक्स करना, तभी एक अच्छा सा पेस्ट बनेगा। मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया हुआ था, पता ही नहीं, देखो मिक्स करने के बाद मेरा कुछ ऐसा हो गया है। गाइस क्रीम देख लो कितना अच्छा है मेरा, जैसे क्रीम होता है ना, प्लम का क्रीम होता है ना, उसी का ड्यूप कॉपी समझ लो। लेकिन इससे लगाने से ना बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है फेस पे, देखो आप लोग खुद ही देख लो। गाइस अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना ये वीडियो, आप लोग खुद ट्राई करके आना, तब अपना कमेंट करके बताना कि कैसा है। मैं पहले ही नहीं कर रही कि पहले ही बता दूँ, अब वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके चलो वीडियो, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।